दलित अभी हम तस्वीर देख पा रहे हैं, ये छात्र अभी आंदोलन को कायम रखना चाहते हैं, अभी टस से मस नहीं हो रहे, पीछे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन इनको शांत करने के लिए, इनमें भरोसा प्रकट करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, लबोलुभाव क्या बताएं ललित? देखिए, अगर लबोलवाब पूरे इस घटनाक्रम का देखा जाए, 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक खास बात आपको बता दें कि मेरे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं, बहुत ही अहम जानकारी है, वो लगातार जो आरोप है खास तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छात्राएं हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, या फिर जिन छात्राओं जो बुरी तरह से जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उनकी तस्वीरें इनके पास है। फिलहाल इन्हीं के पास एक बार चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्यों आपने अपना मुंह ढका हुआ है और क्या तस्वीरें हैं आपके पास? ये मेरे पास तस्वीरें हैं ऐसी, मतलब उन्होंने जो वहाँ पे देख करके जो वो गए थे, जो बंदे वहाँ से कूदे हैं, जो दो लड़कियां कूदी है वहां से, मेरे पास वो वीडियो है एम्बुलेंस में जो वो लेके जा रही थी और जो उठा के बच्चे लेके गई थी, वो लड़की ये है ही नहीं जिन्होंने अभी दिखाई है यहाँ पर। हमें पहले पता लगा वो मर चुकी है, अभी ये कह रही जिंदा है, कहाँ से आई जिंदा? वो दो लड़कियां थी, मेरे पास दोनों की वीडियो भी पड़ी हुई है, सातवें फ्लोर की थी, ये नवे फ्लोर की लड़की दिखा रहे हैं। एक बार वो वीडियो दिखाएं जरा, जिस वीडियो में आप कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो बेहोश हो गई थी या फिर सुसाइड करने की कोशिश की गई थी, एक बार जरा दर्शकों को दिखाइए वो वीडियो। तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं आपको, बिल्कुल एक बार वीडियो जरूरी है, अगर साथ तस्वीरों को देखिए, ये कल शाम की ये तस्वीरें हैं जब पूरा हंगामा बर्फ, लेकिन हम ये दिखा नहीं सकते, ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते ललित, इसलिए आप जानकारी ही लें, इस वीडियो को आप रहने दें क्योंकि इसको रहने देना ही उचित है, लेकिन पूरा प्रकरण दरअसल आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप, लेकिन ये जो इस वक्त शाम के रात के 8:10 होने वाले हैं और हजारों की तादाद में इस परिसर में छात्र छात्रा धरना दे रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बहुत मायने, लगातार सवालों के घेरे में कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन, उन पर आरोप लग रहा है कि वो पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलजीत, छात्र छात्राएं इसको लेकर क्या कह रहे हैं, आखिर क्यों प्रशासन इसको दबाने की कोशिश में है? देखिए, एक चीज हम आपको साफ बता दें कि क्योंकि सभी जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि आमने सामने बातचीत हो, कोई बंद कमरे में बातचीत नहीं की जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई एक लीडर नहीं है, तो सब कोई बात करना चाहते हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है स्टेज से कि काफी रेपिटेशन हो रहा है। किसी की मांग है कि जो आरोपी लड़की है उसको पेश किया जाए, किसी की मांग है कि जो तथ्य है वो सामने लाए जाए, तीसरी मांग है कि सुरक्षा को लेकर जो पॉइंट है वो क्लियर किया जाए, तो कोई एक मांग नहीं है, ये मांगे बढ़ती जा रही है और कई घंटे हो चुके हैं जहां पर अब अथॉरिटीज लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि डिफरेंस ऑफ वर्जन है, क्योंकि छात्र मानते हैं कि एक वर्जन है जहां पे लड़की आरोपी है, वीडियो वायरल किए गए हैं, दूसरा वर्जन ये है जो अथॉरिटीज का है, जो पुलिस और डीसी का है, जहां पे ये बोल रहे हैं कि जो वर्जन है वो ये है कि जो लड़की है उसने अपना खुद का वीडियो बनाया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, एक परसेप्शन बैटल है, और जितने छात्र हैं वो चाहते हैं जो उनका वर्जन है वो साफ कर दिया जाए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, पर फिलहाल मांगे कई सारी अब उठने लगी है और कई घंटे हो चुकी है और उसके बावजूद आप ठीक है। ये जानना जरूरी है कि ये पूरा वाकया क्या है, मामला क्या है, बवाल कैसे शुरू हुआ और आरोप लगने के बाद किस तरह से पूरे मामले की लीपापीती शुरू हो गई। अपडेट यह है कि अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई। दर्शकों को इससे जुड़ी हुई एक स्पेशल रिपोर्ट पहुंचा देते हैं, फिर वापस आएंगे तो दोबारा रुख करेंगे आपका। रिपोर्ट देखें। मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शनिवार रात अचानक हंगामा बरप उठा। छात्राओं का अश्लील वीडियो वायरल होने का मुद्दा उठा। स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए, नारेबाजी की, आरोपों की पूरी जांच की मांग की। काले कपड़ों में ये छात्र छात्राएं इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन हालांकि छात्रों को आश्वासन दे चुका है, लेकिन छात्र बात मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का मानना है कि अभी तक सिर्फ एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस पूरे प्रकरण में
और दूसरे आरोपी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त छात्रा से बरामद किए गए मोबाइल फोन की जांच पर अटकी हुई है। छात्रों के जबरदस्त हंगामे, यूनिवर्सिटी प्रशासन की सफाई, तमाम जांच और पुलिस की तफ्तीश के बाद अब मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। पुलिस कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन वार्डन का वायरल वीडियो कह रहा है कि बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए वार्डन के वीडियो से ही शुरू करते हैं और पुलिस की थ्योरी तक आते हैं। हॉस्टल की महिला वार्डन का यह वीडियो घटना के बाद का है, जिसमें वार्डन आरोपी लड़की को फटकार रही है, उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी दे रही है। महिला वार्डन बार बार आरोपी लड़की से पूछ रही है कि वीडियो क्यों बनाया, किसे भेजा, क्यों भेजा, किसके कहने पर भेजा। इन सवालों के जवाब में आरोपी लड़की क्या कह रही है, ये साफ सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वार्डन जो पूछ रही है उसका जवाब आरोपी के पास नहीं है। अब इस घटना का दूसरा वीडियो देखिए। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र हंगामा कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो लीक हुए, इसलिए विरोध हुआ। हॉस्टल एलसी डी और बी में बोल रहे हैं कि अलग अलग फ्लोर पे बने हैं, प्रॉपर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट अभी वो कह रहे हैं कि हाँ एमएमएस बने हैं। वो एसएचओ के पास वो 10-12 लड़कियां थी, हमें इन्होंने कोई ग्रुप बनाया तो उसमें वो बोल रहे हैं, एसएचओ बोल रहे हैं पहले हमें वो वायरल वीडियो दिखाओ तभी हम कुछ केस फाइल कर सकते हैं। बच्चे बोल रहे हैं वो लड़की खुद कन्फेस कर रही है, उसकी कन्फेशन की वीडियो आ गई है तो आप क्यों नहीं एफआईआर लिख रहे। वो बोल रहे हैं पहले हमें वायरल वीडियो दिखाओ तभी हमें तभी हम कुछ कर सकते। आपने कोई वीडियो देखा इनमें से? हमने नहीं देखा, बट जो हमारे साथ लड़कियां थी वो खुद बोल रही है हमने ये वो वाली वीडियोस देखी हुई हैं, और मेरे ख्याल से अब तक तो वो डिलीट भी हो चुकी होंगी। तो आपके मुताबिक कितने लड़कियों के वीडियो बनाए गए होंगे? इतना नहीं पता, बट लड़कियां कह रही हैं अभी 50-60 प्लस वीडियोस बनी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा पर आरोप है कि उसने हॉस्टल की लड़कियों का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और शिमला में बैठे किसी शख्स को भेज दिया। दावा किया गया कि एक नहीं पूरे 60 लड़कियों के वीडियो लीक हुए हैं। पुलिस ने कहा कि एक भी वीडियो लीक नहीं हुआ है, सिर्फ आरोपी लड़की का वीडियो बेपर्दा हुआ है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी ने ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ना उन्होंने ऐसा कोई कोशिश भी की है। इस वक्त कोई चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का बच्चा इस संदर्भ में किसी हॉस्पिटल में नहीं है और उसकी कोई सेहत की समस्या नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 60 बच्चों की एमएमएस बनाई गई है और वो भेजी गई है किसी को, तो इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी टीम ने की है और उस बच्चे का जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसका जो मोबाइल है उसको चेक किया गया है, तो ये पाया गया है कि उस लड़की ने अपनी ही कुछ फोटोज और कुछ वीडियो जो हैं अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ शेयर की हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन से और कोई किसी प्रकार का जो मटेरियल है वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं कि पुलिस को ये केस दे दिया गया है ताकि इसको इसकी तह तक पहुंचा जा सके। हालांकि अब सवाल यह है कि अगर वीडियो लीक नहीं हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी की वार्डन उस छात्रा को क्यों फटकार रही थी, वार्डन किस वीडियो की बात कर रही थी, उसने आरोपी लड़की को क्यों धमकी दी कि अब उसका वीडियो उसी हालत में बनाएंगे। इसके जवाब में मोहाली के एसएसपी ने कहा कि लड़की ने सिर्फ अपना वीडियो बनाया और उसे ही अपने दोस्त को भेजा था, बाकी सभी बातें और दावे निराधार हैं। बच्चे ने 60 वीडियोस बनाए हैं ऐसा नहीं है, उसके फोन में किसी की और बच्चे की कोई वीडियो नहीं निकली है, उसने खुद की कोई वीडियोस बना के अगर किसी अपने दोस्त को भेजी है, दैट इज हर पर्सनल लाइफ, ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब महिला आयोग की टीम, मोहाली के कलेक्टर, स्टूडेंट वेलफेयर के अध्यक्ष ने भी यही बात दोहराई कि कोई भी वीडियो लीक नहीं हुआ है, आगे की जांच जारी है। एजुकेशन का भी सवाल है, हमारे पुलिस प्रशासन का भी सवाल है, और हम पूरी संजीदगी से इस मैटर की इंक्वायरी करेंगे। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस मामले को पूरी गंभीरता से देखा जाएगा, जो भी दोषी होंगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर जिस भी बच्ची ने, ये लड़की ने ये वीडियो बनाया है, किसके कहने से बनाया है, क्यों वायरल हुआ है, गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कुछ भी इस पे कहना मुश्किल है हमारा। अब सवाल यह है कि अगर लड़की ने अपनी ही तस्वीर और वीडियो किसी मित्र को भेजा तो फिर इस बात पर किस तरह का केस बनता है, अगर लड़की ने अपना ही वीडियो बनाया तो वार्डन किस बात के लिए उसे फटकार रही थी, वार्डन की फटकार और पुलिस प्रशासन की थ्योरी बेमेल क्यों है।
ये वो सवाल हैं जिनका जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। फिलहाल पंजाब पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, उसके मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है। मामला तब और साफ होगा जब शिमला में मौजूद लड़के से पूछताछ होगी। सत्येंद्र चौहान और कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, मोहाली आज तक।